Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at home. Students, I am your reasoning teacher, Prachi from Wisdom School, and I welcome you all to the online classes. Students, we will begin with the subject of reasoning. But before that, students, I will introduce you all to this subject and give you all a brief introduction first, okay? So students, here you can see what is reasoning. Reasoning is the ability of mind to understand and think about problems in a more creative way. That means students, reasoning एक ऐसा subject है जो आपकी mind की ability को increase करता है to understand and think about the problems, जिससे कि आप क्वेश्चंस को और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके और थिंक कर सके इन अ मोर क्रिएटिव वे. ओके, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स. रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपके लिए मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज रीजनिंग को यूज करके बच्चों आप बहुत ही इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, we will begin with the today's class, okay? And in today's class, students, we will just do the basic of your first chapter, which is patterns, okay? So in this chapter, students, here patterns, first of all, you all should know patterns का क्या meaning होता है. Patterns जो होता है बच्चों, ये हम three forms में find कर सकते हैं. First form होता है बच्चों नंबर्स का, ओके. सेकेंड फॉर्म होगा अल्फाबेट्स में, एंड थर्ड फॉर्म होता है पैटर्न्स का शेप्स और फिगर्स. ओके, सो बच्चों आज हम बात करेंगे नंबर्स की, ओनली नंबर्स. आज हम सिर्फ फर्स्ट बात करेंगे नंबर्स के बारे में कि जो नंबर्स होते हैं बच्चों, हम उसमें पैटर्न्स कैसे फाइंड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी विल टेक from 1 to 10. You all know students that we know about the counting. Counting आप सबको पता ही होगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9 and 10. So यहाँ पे बच्चों मैंने counting लिखी है from 1 to 10. Okay? सो ये जो स्टूडेंट्स काउंटिंग है, इसको हम एक पैटर्न भी बोलेंगे. बट व्हाई, बताओ जल्दी किस लिए? बिकॉज ये जो काउंटिंग है बच्चों, ये एक ऑर्डर में गिवन है, राइट? जैसे 1 के बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स? 2. 2 के बाद में आता है 3. 3 के बाद आता है 4. एंड आगे भी देखो बच्चों, हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है, लाइन वाइज लिखा है. 5 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 एंड 9 के बाद 10. ओके, सो ये जो है स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन इजीली टेल कि इसको हम पैटर्न्स क्यों बोलेंगे. बिकॉज यहाँ हमने काउंटिंग को लाइन वाइज लिखा है, राइट? हमने बीच में एक भी नंबर को स्किप नहीं किया. लाइक यू कैन सी हियर, 1 के बाद डायरेक्टली हमने 2 लिखा है, 2 के बाद डायरेक्टली 3 लिखा है, एंड सो ऑन. ओके, सो ये बच्चों एक एग्जाम्पल है पैटर्न्स का. ओके, अब हम बच्चों बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की. अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है बात करेंगे स्किप करने की, स्किप काउंटिंग की बात करेंगे. ये हमने यहाँ नॉर्मल काउंटिंग लिखी है, राइट? अब जो स्किप काउंटिंग होती है बच्चों, इसके अंदर हम 1-1 नंबर को स्किप कर देंगे. ओके, जैसे 1 के बाद क्या आता है बच्चों? 2. तो यहाँ हमने 2 को स्किप कर दिया, और यहाँ पे हम 2 के बाद जो आता है डायरेक्टली 3 लिखेंगे. ओके, सो 3 के बाद में आता है 4. तो 4 को बच्चों हम स्किप करके यहाँ पे 4 को स्किप कर देंगे हम. ओके, और हम यहाँ लिखेंगे 5. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 5 के बाद क्या आता है? 6. तो 6 को हमने यहाँ पर स्किप कर दिया. ओके, तो 6 के बाद क्या आता है बच्चों? 7. तो यहाँ हम लिखेंगे
7. ओके नाउ नेक्स्ट यू ऑल विल टेल मी 7 के बाद में क्या आता है. यस 8. सो हेयर वी विल स्किप 8. 8 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. एंड यहाँ 8 के बाद क्या आएगा 9. तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया. ओके तो बच्चों ये जो हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है ये हमने यहाँ पे जो हमने पैटर्न बनाया है बच्चों यहाँ हमने 1-1 नंबर स्किप करके लिखा है. ओके जैसे कि 1 के बाद 2 को स्किप किया है, 3 के बाद 4 को स्किप करा है, 5 के बाद 6 को करा है स्किप, 7 के बाद 8 को स्किप किया है. ओके तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको यहाँ पे इस पैटर्न के बारे में आइडिया होगा बिकॉज ये जो पैटर्न है यहाँ पे यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई हेयर 1-1 नंबर इज बीइंग स्किप्ड. ओके सो आई होप स्टूडेंट्स दिस कंसेप्ट ऑफ पैटर्न इन नंबर सीरीज इज क्लियर टू यू. ओके यहाँ पे हमने दो टाइप के पैटर्न्स देखे नंबर्स में. एक होगा जिसमें हमने स्ट्रेट अवे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने काउंटिंग लिखी है. ओके नेक्स्ट में हमने 1-1 स्किप करके लिखी है तो ये 1 टाइप का पैटर्न हो गया. ओके एंड ये जो पैटर्न है ये सेकेंड टाइप का हो गया. वाई बिकॉज यहाँ पे 1-1 नंबर स्किप्ड है और यहाँ पे कंटिन्यू हमने काउंटिंग लिखी है. ओके तो ये 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न हमने नंबर्स के अंदर आज लर्न करे हैं. ओके सो वी विल ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.